अली गोनी बिग बॉस के घर के बाहर इतने दिनों तक रहे हैं और उन्होंने घर के बाहर रहकर घर के सारे सदस्यों को काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया है। एजाज खान को भी ऑब्जर्व किया है और आते ही एजाज खान का भांडा फोड़ दिया है रुबीना, अभिनव और जैस्मीन के सामने। जी हाँ, उन्होंने एजाज से बातचीत भी की और उनके गेम और उनके टास्क में करने वाले सारे ड्रामों को लेकर उन्होंने कहा कि एजाज भाई का कंधा सही हो गया यार, एक्चुअली कल मैंने टास्क में देखा क्या जोश दिखाया, आगे आगे तो बहुत कुछ करने वाले हैं। उन्होंने निकी तंबोली को भी अवेयर रहने के लिए कहा कि उसके चक्करों में मत आना, बिकॉज वो सही इंसान नहीं है, वो कभी भी फ्लिप कर सकता है और तुझे ही बैकफायर करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया अपने दोस्तों को कि यहाँ पर हर किसी के पास जाकर ये बोलता है कि रुबीना और अभिनव बिल्कुल भी डिजर्विंग पर्सन नहीं है, पता नहीं कैसे आ गए, और बैक बिचिंग करता है कि इसने ये किया है वो किया है, तो ये जो शख्स है ना ये बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं है, तो प्लीज इससे दूर रहना और अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ और इसने क्या कुछ कहा है। और मैं ना अभी तक इसकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन जब से मैंने इसका असली रूप देखा है ना, तो सीरियसली यार ही इज नॉट दैट डिजर्विंग पर्सन। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।